सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडियन स्नैक्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं दीपा मिल्की पी। तो आप देख सकते हैं इसका नाम दीपा मिल्की पी लिखा हुआ है और ये दोनों सेम ही है, बस ये पैकेट का दोनों का कलर अलग है। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि ये दोनों का टेस्ट कैसा है, एक ही टेस्ट का या फिर पैकेट के साथ इसका टेस्ट भी अलग अलग है। तो देखिए, इसकी प्राइस की बात करें तो मिल्की पी का प्राइस जो है वो सिर्फ 2 रुपीज़ है। आप यहाँ पे इसकी प्राइस 2 रुपीज़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो अगर आप भी ये मिल्की पी अगर लेना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास के शॉप में जाकर ये ले सकते हैं। बस आपको शॉप में जाकर मिल्की पी नाम लेना है और ये आपको मिल जाएंगे। और इसकी प्राइस 2 रुपीज़ यहाँ पे दी हुई है। और देखिए, ये टोटली वेज है ताकि इसे किसी भी तरीके के लोग खा सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग की बात करें तो देखिए, इसकी पैकिंग की जो डेट है वो देख सकते हैं, अगस्त 2020 में इसकी पैकिंग हुई है। और इसका जो वेट है वो 10 ग्राम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वेट 10 ग्राम लिखा हुआ है। और इसकी कंपनी की बात करें तो इसकी कंपनी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, मैन्युफैक्चर बाय विष्णु फूड्स प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं इसका कंपनी का नाम विष्णु फूड प्रोडक्ट्स है। और इसकी बात करें तो ये भी सेम ही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी इसकी प्राइस 2 रुपीज़ लिखी हुई है और ये भी टोटली वेज है। यहाँ पे भी वेज का सिंबल दिया हुआ है। और इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकिंग की जो डेट है वो अगस्त 2020 में ये पैकिंग हुआ है। और इसका जो वेट है वो इसमें भी 10 ग्राम ही है। और इसकी कंपनी की बात करें तो इसकी कंपनी जो है विष्णु फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि ये दोनों जो है सेम ही है, बस ये दोनों का पैकेट का जो कलर है वो अलग अलग है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि दोनों का टेस्ट सेम है या फिर अलग अलग है। तो चलिए इसका कट करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए सबसे पहले हम रेड वाले को कट करते हैं। तो देखिए, मैंने इसका कट कर दिया। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए, मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम ब्लू वाले को बाहर निकालेंगे। तो देखिए, मैंने ब्लू वाले को भी बाहर निकाल लिए हैं। और आप देख सकते हैं दोनों का जो कलर है वो सेम ही है, दोनों सेम ही हमें दिख रहा है। लेकिन हम इसका टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे दोनों का टेस्ट एक ही है या फिर दोनों अलग अलग है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से चोको का लेयर दिया हुआ है। देखिए, दोनों में चोको का लेयर ऊपर से दिया हुआ है। और अंदर देखिए, ये जो है ये एक बिस्किट है और अंदर से हमें क्रीम दिए हुए हैं। बिस्किट के ऊपर क्रीम है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी बिस्किट के ऊपर क्रीम हमें दिख रहे हैं। और दूसरे वाले में देखते हैं, देखिए ये दोनों सेम ही है, बिस्किट के ऊपर ही क्रीम दिया हुआ है और ऊपर से जो है वो चोको का लेयर वो भी आप देख सकते हैं। यानी कि दोनों जो है वो सेम ही है। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। और चलिए अब दूसरे वाले का टेस्ट करते हैं। दोनों का जो टेस्ट है वो दोनों सेम ही है, बस दोनों का पैकेट का कलर अलग अलग था। और इसका जो टेस्ट है काफी अच्छा लग रहा है, चोको का फ्लेवर आ रहा है और ये जो बिस्किट है वो काफी क्रंची है। तो आप भी कभी इसे जरूर ट्राई करना। और अगर आप ये चोको पी का ट्राई कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।